हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटहम एक्सचेंज, उस पर अकाउंट कैसे बनाएं और उसको यूज़ करना सही है कि नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी एक्सचेंज यूज़ करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। तो आइए दोस्तों, चालू करते हैं बिटहम। तो बिथुम्ब की बात करें दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा साउथ कोरियन एक्सचेंज है और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे वॉल्यूम की बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है। और कोरिया की फिएट करेंसी वॉन को भी आप यूज़ करके इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे थे रेगुलरली कि बिथुम्ब यूज़ करना चाहिए कि नहीं और कैसा एक्सचेंज है ये। तो दोस्तों, आपको अगर बेसिकली बताएं तो ये एक्सचेंज को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल और सिंप्लीफाइड एक्सचेंज है। बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि जगह जगह इसमें कोरियन पढ़ने को मिल जाती है, तो ऐसा लगता है कि कुछ मिस ना हो जाए या कुछ गलती नहीं हो जाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर फ्रंट पेज के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप साइनअप करेंगे तो बिथुम्ब कैश आपको मिलेगा, 3000 बिथुम्ब कैश। तो इसके ऊपर दोस्तों हमने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है। अगर आप नए यूज़र हैं तो आपको एक बार आप हेल्प करने के लिए साइनअप का डिटेल्स थोड़ी शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों आपको ईमेल डालना है, आपका जो भी ईमेल है वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लें, और उसके बाद फिर यहाँ पर चेक डुप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो बता देंगे कि हाँ ये अवेलेबल है और वैलिड है। उसके बाद यहाँ पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं कुछ भी, नीचे आके आप पासवर्ड यहाँ पर कन्फर्म करें। सिक्योरिटी पासवर्ड एक ऐसा होगा जैसे आपका ATM पिन होता है या किसी और एप्लीकेशन का पिन होता है, वैसे ही आप यहाँ पर 4 डिजिट का कोई भी पिन डाल सकते हैं। 1234 मत डालना, बहुत ऑब्वियस होता है, कोई भी पहचान जाता है। तो थोड़ा सिक्योरिटी पासवर्ड डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप वापस सिक्योरिटी पासवर्ड रीकन्फर्म कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर चूज़ करेंगे आप कौन सी कंट्री से हैं, अगर तो आप अपनी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पर आप अपना 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो है वो यहाँ पर इनपुट कर दीजिए, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद आप SMS रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेल फोन में मैसेज आ जाएगा जिसके अंदर एक कोड होगा, वो कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, आप लास्ट नेम फर्स्ट नेम ये एंटर कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप कन्फर्म कर सकते हैं, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आप यहाँ पर ये दो टर्म्स हैं, इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, बाकी आप आई कन्फर्म पर क्लिक करें, I am not a robot पर क्लिक करें, और फिर साइनअप पर सीधे क्लिक करेंगे। उसके लिए आपके पास ऐसा एक ईमेल आ जाएगा और आप यहाँ पर कन्फर्म दी ईमेल करेंगे तो आपका ईमेल आईडी कन्फर्म हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और वेरिफिकेशन कन्फर्म करने के बाद आप सीधे साइन इन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है वो इनपुट करें, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और लॉगिन कर लें। लॉगिन करने पे आपसे सिक्योरिटी पासवर्ड मांगेंगे, तो आपने जो भी सिक्योरिटी पासवर्ड डाला है वो यहाँ पर डालिए और आपका लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों, ये है बिथुम्ब की साइट, आप देख सकते हैं सिंपल सी साइट है। यहाँ पर ऊपर टॉप के अंदर लैंग्वेजेस हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ चूज़ कर सकते हैं, कोरियन है, इंग्लिश है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है, स्पैनिश है, और हमारी मातृभाषा हिंदी भी है, तो आप इन सबको चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप साइट को देखें तो बहुत ही सिंपल साइट है, इसमें ट्रेडिंग भी बहुत ही सिंपल है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इस साइट का जो ड्रॉबैक हमें लगा, ऑल्दो हमने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर रखा है, फिर भी काफ़ी जगह आपको कोरियन दिख जाएगी इसके अंदर। देखिए, जैसे यहाँ पर अभी भी कोरियन लिखा हुआ है, ये यहाँ पर भी कोरियन में है, तो काफ़ी जगह पे कोरियन अभी भी मैंशनड है इसके अंदर, ऑल्दो आपने लैंग्वेज चूज़ कर ली है उसके बाद भी यहाँ पर कोरियन काफ़ी जगह पे है। तो दोस्तों, हमारे पास अब देखते हैं हमारे वॉलेट में कुछ आया है कि नहीं, तो इसके एसेट्स पे क्लिक करते हैं, एसेट्स पे देखते हैं हमारे पास कितने कॉइन्स हैं, क्या हैं। तो 3000 कॉइन्स, 3000 बिथुम्ब कैश, कोरियन वॉन जो इनने मेंशन कर रखे थे वो हमको मिल चुके हैं और हमारे बैलेंस में आ गए हैं। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, ये फर्स्ट लाइन पे तो इनने इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसके बाद आप ये देखिए ये क्या चीज़ है ये। ओके, टोटल परचेज अमाउंट है जो ज़ीरो है, और ये है अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट, मतलब इतने आपके पास अवेलेबल हैं अभी ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो ये पूरी डिटेल्स है, बाकी नीचे वॉलेट है जिसके अंदर दिखा रखा है पूरा, 00 सारे कॉइन्स हैं और ये बंद हैं। तो वापस हम मेन पेज पे जाते हैं एक बार। तो मेन पेज पे दोस्तों आप कॉइन देख सकते हैं, अराउंड 13 कॉइन्स हैं इसके अंदर, बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, बिटकॉइन कैश, लाइट कॉइन, ईओएस, मोनेरो, डैश, इथेरियम क्लासिक, क्वांटम, आइकन, बिटकॉइन गोल्ड और जेड कैश। तो चलिए, इन्होंने जो हमें 3000 फ्री कॉइन्स दिए हैं उसको यूज़ करके हम रिपल परचेस करते हैं, जो कि सबसे सस्ता कॉइन है यहाँ पर। तो रिपल को चलिए बाय करते हैं क्लिक करके। तो बाय किया, अब यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कोरियन, इन्होंने पता नहीं जगह जगह इतनी भर के कोरियन डाली हुई है इन्होंने, मतलब ये चाहते क्या हैं कि हम कोरियन पढ़ पढ़ के सीख जाएं या क्या, मतलब ये इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ यहाँ पर अगर डाला है तो। एक बार देखते हैं हिंदी में भी ऐसा ही है क्या।
तो आप देख सकते हैं हिंदी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है ये, देखिए आप, यहाँ पर भी सब कोरियन में है। खैर छोड़िए, तो हम ट्रेडिंग की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक है इजी ट्रेड और एक है जनरल ट्रेड। तो सबसे पहले हम इजी ट्रेड को देखते हैं। इजी ट्रेड के अंदर आप बाय या सेल कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ये दोनों ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर ये अवेलेबल बैलेंस आपको दिखा रहे हैं जो 3000 कोरियन वॉन का है। और यहाँ पर आप ऑर्डर प्राइस है तो ऑर्डर प्राइस आप चूज़ कर सकते हैं, 25% करेंगे तो फिर ये इसके अकॉर्डिंग 750 ले लेगा, अगर आप 50% करेंगे तो ये 3000 के 50% 1500 ले लेगा, 75% कर सकते हैं या फिर 100% कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि इतने आप रिपल ले सकते हैं, 4.3 ये आप रिपल ले सकते हैं। और सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो बटन है आई गेस परचेज का ही बटन है, हाँ, तो इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा डू यू वॉन्ट टू बाय, आप अप्रूव कर देंगे तो ये परचेज हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जनरल ट्रेड। इसमें थोड़ा डिटेल्ड है, सेम एज इजी ट्रेड, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितना आपके पास बैलेंस अवेलेबल है। ऑर्डर प्राइस, तो ऑर्डर प्राइस यहाँ पर हम चूज़ कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग प्राइस है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो बुक है इसकी यहाँ पर क्लिक करेंगे, उस अकॉर्डिंग ये चूज़ हो जाएगा। तो 689 की प्राइस हम ले लेते हैं, और ये ऑर्डर अमाउंट है, और इसको स्लाइड करके आपको जितना परसेंटेज का खरीदना है बैलेंस में से उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्स पे क्लिक करेंगे तो ये 100% पे आ गया, मतलब 3000 कोरियन वॉन का हम परचेज कर लेंगे, 4.35 XRP हमको मिल जाएंगे। कमीशन यहाँ पर लग रहा है 0.0065 का रिपल के अंदर। और ये फाइनल ये सारी डिटेल्स हैं, एक बार ये देखते हैं ये है क्या चीज़, ये क्या लिखा हुआ है। द परचेज फी इज़ अवेलेबल एट अ मिनिमम ऑफ 0% इन कोरिया थ्रू फिक्स्ड कूपन। तो कुछ कूपन सिस्टम भी है इसके अंदर, खैर वो छोड़िए, हमको क्या लेना उससे, बाकी हम बाय करते हैं हमारे फ्री कॉइन से। तो यहाँ पर डिटेल्स लिखी हुई आगे कि एक रिपल की प्राइस लगेगी 6.89 कोरियन वॉन की, इक्वल टू 3000 कोरियन वॉन आपको खरीदना है, तो हम उसको कर देते हैं अप्रूव। अप्रूव किया तो लिखा हो गया ऑर्डर हैज़ बिन कम्प्लीटेड। तो अब हमने रिपल परचेज कर लिए हैं, और हम एक काम करते हैं, वॉलेट में जाके देखते हैं कि हमारे रिपल हमारे पास आए हैं कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स चेंज हो चुकी है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो बैलेंस था वो हमने यूज़ कर लिया है, और अभी ज़ीरो बैलेंस है, कोरियन वॉन ज़ीरो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास यहाँ पर रिपल आ गए हैं जो हमने परचेज करे हैं, और आप यहाँ पर अमाउंट देख सकते हैं। तो दोस्तों ट्रांजेक्शन की जहाँ तक बात आती है, तो सिंपल से इसके ट्रांजेक्शन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपको नॉर्मल डिटेल्स डालनी है जैसे बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर होता है कि अमाउंट आप चूज़ करो, कितने का आपको परचेस करना है, किस प्राइस पे परचेस करना है, और परचेस कर लीजिए नॉर्मल तो परचेस हो जाता है। वैसे ही इसके अंदर भी है, बहुत सिंपल सी साइट है और बहुत यूज़र फ्रेंडली है। अब हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये रिपल जो है ये निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर विड्रॉल पे क्लिक करता हूँ, तो ये अब फिर से इन्होंने अब कोरियन में मैसेज दे, इसका मतलब क्या, जरा देखते हैं एक बार। ओके, तो इसका मतलब है ये बोल रहे हैं कि अगर आपको कोरियन वॉन में निकालना है तो आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी अपनी आइडेंटिटी। तो यहाँ पर अब आ गए हम, तो अगर हम विड्रॉल पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर पूरी ये डिटेल्स है। फर्स्ट स्टेप हमने पूरा कर लिया, ये लेवल 1 है शायद, ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और इनके सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। आईडी कॉन्फर्मेशन विद सेलफोन, तो इसके अंदर चक्कर ये सिर्फ कोरियंस के लिए है, और ये सारे कोरियंस प्रोवाइडर हैं जो हम नहीं कर सकते, जो कोरिया के बाहर रहते हैं तो इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। आई पिन आई डी कॉन्फर्मेशन करते हैं तो ये बोलते हैं कि आपका IP ब्लॉक्ड है, सिक्योर नहीं है या जो भी है, तो ये बेसिकली शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि हम कोरिया के बाहर से कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन है सेंड ID पासपोर्ट। अब इसमें ये नहीं पता कि ये सही में पासपोर्ट मांग रहे हैं या कोई नॉर्मल ID मांग रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि आप ID हाथ में होल्ड करके और उसकी फ़ोटो लें और जो भी है सबमिट करें, लेकिन ये है क्या, ये पासपोर्ट है क्या ये। ओके, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अगर आप फॉरेन मेंबर हैं, जो कि हम हैं क्योंकि हम इंडिया से हैं, तो हमको पासपोर्ट की कॉपी सेंड करनी पड़ेगी, तभी जाके ये वेरीफाई होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिटम कैश ये दे तो रहे हैं, लेकिन उसके एक्सचेंज में ये आपसे पासपोर्ट मांग रहे हैं, और पासपोर्ट जब आप देंगे तब आपका लेवल 2 पे आप पहुँचेंगे, और शायद उसके बाद आप विड्रॉ कर पाएँ। तो इस चीज़ का हमको दोस्तों इतना सेंस लगता नहीं है, क्योंकि सिर्फ 200 रुपये के चक्कर में अगर हम इनको पासपोर्ट डिपॉजिट करें, जो एक कोरियन बेस्ड एक्सचेंज है, वो सही नहीं है और सेंसिबल मूव नहीं होगा। आज के टाइम पे चक्कर दोस्तों ये है कि बहुत सारे नए क्रिप्टो ट्रेडर्स आए हैं, बहुत बहुत यंग क्रिप्टो ट्रेडर्स आए हैं, और वो लोग अपने अपने आइडेंटिटी और अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इन सब की वैल्यू समझते नहीं है। तो सिर्फ 200 रुपये की फ्री कॉइन के चक्कर में वो अपने IDs कहीं पर भी सबमिट कर देते हैं। जितनी फास्ट तरीके से टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, आपको पता नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी और आपके जो कार्ड्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। आज की डेट में पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी और आपके कार्ड्स हैं।
तो हमेशा इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम तो इस साइट के साथ, ऑल्दो ये साइट है बड़ी कंफर्टेबल और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है, इजी टू यूज़ है, लेकिन हम ये साइट आपको रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके देख लीजिए आप अलग अलग ये सारे प्लान्स हैं, 13 कॉइन्स लिमिटेड कॉइन्स हैं इसके अंदर, और प्लस आपको जो डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, मतलब आपके पास डेफिनेटली आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए अगर आप सही में इसके अंदर विड्रॉ या डिपॉजिट या कुछ भी करना चाहते हैं तो पासपोर्ट वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो वो सबमिट करना पड़ेगा तब जाके आप एलिजिबल होंगे। तो हम इसको सजेस्ट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि 200 रुपये में किसी को पासपोर्ट अपना बेचना ये सेंसिबल नहीं है। बाकी आपका डिसीजन है, अगर आपको ये एक्सचेंज सही में इतना डेस्परेटली यूज़ करना है और जो 200 रुपये के कॉइन देने वो आपको चाहिए, तो आप ज़रूर इस पर आइए, अकाउंट बनाइए और यूज़ करिए। तो दोस्तों ओवरऑल हम यही बोलेंगे कि एक्सचेंज है काफ़ी फ्रेंडली और सिंपल, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने इस एक्सचेंज को यूज़ किया और बिना ज़्यादा टाइम स्पेंड करे हमको समझ में आ गया कि कैसे इसके अंदर ट्रांजैक्शन करना है, क्या करना है। ड्रॉबैक ये है कि इनने लैंग्वेजेस काफ़ी डाली हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी जगह जगह ये कोरियन इन्होंने डाली हुई है, तो उस चीज़ का सेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोई बंदा इंग्लिश या हिंदी चूज़ कर रहा है तो वो कोरियन देखना क्यों पसंद करेगा स्क्रीन के ऊपर जगह जगह, तो वो चीज़ सही नहीं है। काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पर मैसेजेस हैं लेकिन वो मैसेजेस इंग्लिश या हिंदी में नहीं है, वो हैं कोरियन में, तो आपको वो ट्रांसलेट करने पड़ेंगे जैसे हमने ये ट्रांसलेट करा है, जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं काफ़ी। और दूसरा ड्रॉबैक दोस्तों ये है कि आपको इधर पासपोर्ट डिपॉजिट करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। हाँ हम हालांकि मानते हैं कि काफ़ी एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर केवाईसी वगैरह करनी पड़ती है, लेकिन इस एक्सचेंज के अंदर हम इतना मानते नहीं है। अगर आपको सही में एक्सचेंज यूज़ करना है तो आप बाइनेंस यूज़ कर लीजिए, जहाँ पर विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स आप आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, 2 बिटकॉइन के आराम से आप ट्रांसफ़र विड्रॉल ये सब चीज़ें कर सकते हैं, तो वो बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो ओवरऑल दोस्तों बिटहम का हमारा ये रिव्यू है और हम आशा करते हैं इससे आपके जो क्वेश्चंस हैं और जो भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हो बेशक आप इस वेबसाइट पे आके अपना अकाउंट बना सकते हैं। और दोस्तों क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर आज वीडियो बनाया ही है, तो एक और टॉपिक है जो हम कवर करना चाहेंगे, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आते भी हैं कि कौन सा एक्सचेंज यूज़ करना चाहिए इंडिया के अंदर और कौन सा एक्सचेंज अच्छा है। तो दोस्तों हम साफ साफ आपको ये चीज़ बताएंगे कि हमने आज तक कोई भी इंडियन एक्सचेंज यूज़ नहीं किया है, और हमने अकाउंट ज़रूर बनाए हैं देख लिए के लिए कि वो सही है कि नहीं, क्योंकि हर चीज़ को टेस्ट करना इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सही में नॉलेज रखनी है कि कौन सा एक्सचेंज बेनिफिशियल है या नहीं है। तो हमने इंडियन एक्सचेंजेस पे अकाउंट बनाए हैं और ऊनो कॉइन पे भी हमने अकाउंट बनाया था आज से काफ़ी टाइम पहले, जब ये 250 रुपये के बिटकॉइन देते थे आपको साइनअप के अंदर, तो हमने वो अकाउंट बनाया था, हमको 0.02 या 0.002 बिटकॉइन भी शायद मिले थे, और जब रिसेंटली दिसंबर में प्राइस स्पाइक हुई थी तो मैंने ट्राई किया था कि मैं उसमें लॉगिन करूं, लेकिन मैंने क्योंकि मोबाइल चेंज कर लिया था तो गूगल ऑथेंटिकेशन में कर नहीं पा रहा था, तो मैंने इनको मेल किया कि आप रिमूव करो या हेल्प करो या प्रोसेस बताओ, लेकिन इनकी सर्विस इस तरह से कि कोई रिप्लाई नहीं आया आज तक। आज तक ये ईमेल भेजते हैं कि आप लॉगिन कर लो और ये कर लो या कुछ परचेज कर लो और ये ऑफर्स हैं, लेकिन कभी भी मेरी जो क्वेरीज हैं आज तक इनने सॉल्व नहीं करी। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो सपोर्ट होता है यूज़र सपोर्ट, वो इंडिया के एक्सचेंजेस के अंदर बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और वो लैक कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आप इंडियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग करते हो तो एक तो आपको बहुत हाई फीस पे करनी पड़ती है, दूसरा उसके बाद ट्रांजैक्शन के बाद आपको जीएसटी और पे करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी कंपलसरी आ जाती हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिस कॉइन को आप जिस प्राइस पे परचेज करते हो, अगर आप उसको वर्ल्ड मार्केट से कंपेयर करोगे जो बाकी इंटरनेशनल मार्केट पे रेट चल रही है उसके अकॉर्डिंग, आपको वो प्राइस हमेशा महंगी दिखेगी। तो ऐसे करके 3-4 ड्रॉबैक्स हैं। तो इसके अंदर जो भी इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर ट्रांजैक्शन करता है वो एंड में जाके अगर वो कंपेयर करेगा कि वो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जाके अगर ट्रेडिंग करता तो वो बहुत पैसे सेव कर लेता, और इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर लोगों के आधे से आधा ट्रांजैक्शन में ही पैसे लग जाते हैं कि जीएसटी पे करना, हाई प्राइस पे खरीदना और बाकी फिर एक्सचेंजेस को जो उनकी ट्रांजैक्शन फी है वो पे करना, तो उसी में आप पैसे ही पे कर जाते रहते हो और आपको प्रॉफिट नहीं मिलता। तो हम तो हमारे एक्सपीरियंस से आपको ये बताएंगे कि हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर हमको बिटकॉइन खरीदना है तो हम जेप पे, ऊनो कॉइन और जितने भी फलाना फलाना एक्सचेंजेस हैं इंडिया के, कभी उनको यूज़ नहीं करते, हम सीधे परचेज करते हैं लोकल बिटकॉइन से। लोकल बिटकॉइन काफ़ी ट्रस्टेड साइट है और ज़्यादातर लोग उसी से परचेज करते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई क्वेश्चन है उसके बारे में तो ईमेल ज़रूर करिएगा, हम आपको बताएंगे। और हम उसके अंदर खरीद लेते हैं बिटकॉइंस, और बिटकॉइंस उसके अंदर खरीदने के बाद हम सीधे उसको लेके जाते हैं इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के अंदर, क्योंकि इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर करंटली हमको तो ट्रेडिंग करना बिल्कुल सेंसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हमको यही लगता है कि अगर हम ट्रेडिंग करेंगे तो हम हमारे जो इनकम होगी उसमें से आधे से ज़्यादा पैसे तो बस पे ही करते रह जाएंगे जीएसटी के अंदर, ट्रांजेक्शन फी के अंदर। तो इसलिए हम उसमें यूज़ करते हैं बाइनेंस को यूज़ कर लेते हैं, हम बिट्रेक्स को यूज़ कर लेते हैं, पहले पोलोनिक्स को भी यूज़ करते थे अब उसको यूज़ नहीं करते हैं, कूकॉइन यूज़ कर लेते हैं, तो ऐसे करके हम उन एक्सचेंजेस पे जाके यूज़ करते हैं। तो आपको भी हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर आप नए आएँ ट्रेडिंग के अंदर, आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप भी इसी तरह से कोशिश करें ट्रेडिंग करने की, इंडियन साइट्स को इतना ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका इसमें बहुत सारा जो पैसा है सिर्फ जो फ़ी है वही पे करने में आपकी निकल जाती है,
बाकी आप थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको और आइडिया मिल जाएगा। आज की डेट में रोज एक नया एक्सचेंज उठ के आ जाता है कि हम इंडिया का बेस्ट एक्सचेंज है, हम इंडिया का बेस्ट एक्सचेंज है, लेकिन आप कंट्री का बेस्ट एक्सचेंज या फिर किसी एग्जिस्टिंग बेस्ट एक्सचेंज को तभी ओवरटेक कर सकते हो जब आप सही में कुछ वैल्यू एडिंग सर्विस लेके आओ। आप ऐसा एक्सचेंज लेके आओ जो वर्ल्ड के अंदर मार्केट के अंदर जो रेट चल रही है उससे थोड़ा कॉम्पिटिटिव तो हो, एग्जैक्टली सेम नहीं हो लेकिन कॉम्पिटिटिव तो हो। इतनी महंगी प्राइजेस के अंदर कॉइन्स बिकते हैं, वो कौन खरीदेगा आके। और फिर दूसरा, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन फी भी लगाते हो, उसके अंदर आपको अपना प्रॉफिट भी कमाना है। ट्रांजेक्शन फी लगा रहे हो तो इतनी कम लगाओ ना कि कम से कम लोगों को वहां पर तो बेनिफिट मिल जाए कि अगर महंगा भी खरीद रहे हैं तो ट्रांजेक्शन फी तो सस्ती पड़ रही है। वो भी नहीं करोगे, ट्रांजेक्शन फी भी आपको खूब अच्छे से लगानी है। और उसके बाद लास्ट में चक्कर ये है कि जीएसटी भी पे करना पड़ता है, जो समझ में आता है क्योंकि इंडियन एक्सचेंज है तो जीएसटी कटेंगे और उनको भी अपनी पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ये सारी मनी मेकिंग स्कीम्स चला रखी हैं एक्सचेंजेस ने, और इंडिया के अंदर अभी ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं है जो सही में हेल्प करना चाहता है इंडियन पब्लिक को। सबके सब अपना एक्सचेंज लाना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, और जैसे बाकी जो एक्सचेंजेस हैं जो ऑलरेडी पैसा कमा रहे हैं, जैसे जेप्पे एक्सचेंज हो गया खूब पैसा कमा रहे हैं, इन लोगों की तरह वो भी पैसा कमाना चाहते हैं। बाकी यूजर सपोर्ट किसी का अच्छा नहीं है, कोई ढंग से यूजर्स को हेल्प नहीं करता है, बेचारे यूजर्स एक बार पैसे लगा देते हैं तो बैठे रहते हैं, वेट करते रहते हैं। तो इसलिए हमको ये चीज पसंद नहीं आती, और यही चीज इंडियन एक्सचेंजेस के अंदर लैक करती है, जिसके कारण इंडियन जो यूजर बेस है वो बाहर के एक्सचेंजेस जाके यूज करता है। और ये लोग जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे और ऐसा कोई सोल्यूशन लेके नहीं आएंगे, इन एक्सचेंजेस का कोई मतलब नहीं और वहीं के वहीं रह जाएंगे बस। तो दोस्तों ये हो गई बात एक्सचेंजेस की। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, और अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें रेगुलरली वीडियोस लेके आते रहते हैं। इस वीडियो ने अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प करी है तो लाइक जरूर करिएगा, आपके लाइक से हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और एजुकेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लेके आएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी और वीडियोज लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।